तो भाई ये हैं मेरे मित्र सलील समाधियान, इनको मैं अपना मार्गदर्शक भी मानता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ दिल से सतेंद्र एंड साक्षी की शुरुआत का कारण यही था कि जो भी मेरे को चीज़ सुंदर लगेगी, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी, जिससे मैं इंस्पायर हूँ या उसी तरह से मैं विश्वास करता हूँ, तो आज की पोस्ट 100% इस पे मेरा विश्वास है और मेरा भी कुछ ऐसा ही मानना है जैसा कि मेरे सलील समाधिया भाई ने लिखा है। तो पोस्ट को शुरू करते हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ क्या क्या उन्होंने लिखा है। तो पोस्ट का शीर्षक है मकान, कि किस तरह से लोग पूरा जीवन अपने मकान में बनाने में लगा देते हैं, उसका क्या महत्व होता है, क्या क्या चलता है। तो शुरू करते हैं। बीते हफ्ता दो मित्रों ने अपना नया मकान देखने के लिए बुलाया। एक को 11 साल लगे मकान बनवाने में, दूसरे को 9 साल। इस एक दशक में के समय में उन मित्रों ने बस एक ही काम किया है, वह है मकान बनवाया। और यही मकान, मतलब ये 9 साल और 11 साल में जो मकान बन के तैयार हुआ, इसकी 20 साल पहले तैयारी कर रहे थे वो दोनों के दोनों। तो लगभग जीवन के बेशकीमती 30 साल सिर्फ मकान बनवा लूँ, इस फितूर में निकाल दिए मेरे दोनों प्रिय, मतलब सलील भाई के दोनों प्रिय मित्रों ने। मेरी मकान, मेरी इंटीरियर, एलिवेशन, लक धक, साज सज्जा जैसी चीज़ों में बिल्कुल भी रुचि नहीं है, बल्कि साफ कहूँ तो मेरी भी अरुचि है। तो सलील भाई कह रहे हैं कि भाई मेरा मकान देखिए, मेरा इंटीरियर देखिए, मेरा फ्लैट, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, ये देखिए, इसमें मतलब ज़्यादा उनको मज़ा नहीं आता, मेरे को भी बिल्कुल मज़ा नहीं आता जो इस तरह से चीज़ें वर्णन करते हैं। तो सलील भाई आगे लिखते हैं, वे मित्र उच्चता के घमंड में विकृत हुए। एक एक कमरे, गैलरी, गार्डन, आर्किटेक्ट की बारीकियां, उनके निर्माण में लगी सामग्री, क्या खर्च हुआ, पैसा आदि का विवरण दे रहे थे। इधर मैं भी सौजन्यतावश हूँ, हाँ, अच्छा, वाह, गजब जैसी प्रतिक्रिया देकर उनके अभिमान को पुष्ट किए दे रहा था, जबकि हकीकत यह थी कि मैंने शायद ही किसी चीज़ को गौर से देखा हो। बचपन से ही मुझे मकान, गाड़ी, कपड़े जैसी बातों में न्यूनतम रुचि रही है। उनकी दोस्तों की, मतलब सलील भाई बता रहे हैं, उनकी रनिंग कमेंट्री रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ये देखिए, ये देखिए, गैरेज ऐसा है, मॉडर्न लाइटिंग ऐसी है, एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो भाई जैसे मकान बनवाते हैं, बहुत से उनकी बड़ाई करते हैं, वही उसी तरह का वो बता रहे हैं। तो सलील भाई बोलते हैं, मेरी दृष्टि उनके नवीन लक धक मकान से अधिक उनके रूखे और नीरस चेहरे पर थी। जिस विषय में आपकी रुचि होती है, वैसा ही आप व्यक्तित्व बन जाते हैं। तो देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि जो आदमी इन चीज़ों के पीछे भागता रहता है ना, जिस अगर आप मतलब हृदय से कोमल हैं, कोमल चीज़ों से जुड़े हुए हैं, तो आपका शरीर वैसा हो जाता है, आपका मन वैसा हो जाता है, आपका फेस वैसा हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि जबकि मेरी दृष्टि, वो कह रहे हैं कि जो वो दिखा रहे थे, दिखाए जा रहे हैं, जबकि मेरी दृष्टि उनके लक धक मकान से अधिक उनके रूखे और नीरस चेहरे पर थी। जिस विषय में आपकी रुचि होती है, वैसा ही आपका व्यक्तित्व बन जाता है। वस्तुओं से अधिक रुचि रखने वाला व्यक्ति भी वस्तु की तरह हो जाता है, पार्थिव, चेतना विहीन और निष्प्राण। क्या बात है, ज़्यादातर ये वही व्यक्ति होते हैं जिनके कीमती मकान होते हैं, कौड़ियों के आदमी होते हैं। बहुत बड़ी बात कह दी है भाई ने, और ये कभी महसूस करना अधिकतर होते हैं, शायद सब, हर कोई अपवाद तो हर किसी में होते हैं हर चीज़ में, पर अधिकतर ऐसे ही होते हैं। आगे लिखते हैं उन दोस्तों के बारे में या इस तरह के लोगों के बारे में, उनका पूरा व्यक्तित्व लाभ हानि, गुणा भाग, जोड़ घटाना जैसे गणित के उबाऊ प्रयोग की तरह हो जाता है। पीछे अब क्या बोलूँ, भाई ने मतलब उनकी पत्नियों का भी वर्णन कितने विस्तार पूर्वक किया है, मतलब उन्हीं का जीवन नहीं, उनके जो पीछे परिवार होता है, उनकी पत्नियों के बारे में भाई लिखते हैं। पीछे उनकी सजी धजी पत्नियां भी थी, ऐसे बर्तनों की तरह जिन्हें ऊपर से चमका दिया गया हो, लेकिन जिनके भीतर फफूंद लगी हो, जो सिर्फ एक ही बात से मदमस्त हों। किस बात से मदमस्त? मैं इतने कीमती घर की स्वामिनी हूँ। भारतवर्ष में लोगों का एक ही शौक है, अपने सपनों का मकान बनवाना या फिर बने हुए मकान को रेनोवेट कराना। ये पूरी ज़िंदगी इसी में खपाए में रहते हैं, इसी ज़िंदगी
ये वे पूरी ज़िंदगी इसी में खपाए रहते हैं। बिल्कुल भाई, बहुत मैंने देखा है, एक सपना होता है एक मकान का, छोटी छोटी चीज़ों में इतना समय बर्बाद करते हैं कि जीवन का जो स्वर्णिम काल होता है ना, जिसके अंदर हमारी चेतना होती है, जिस ऊर्जा होती है, वो हम सारा व्यर्थ करते रहते हैं। भाई आगे लिखते हैं, थोड़ा वैज्ञानिक शोध करने पर मैंने पाया कि यह मूलतः उनका शौक नहीं, इसके पीछे गहरे में दिखावे की मनोवृत्ति काम करती है। तो यह ऐसा साधारण नहीं है, इसके पीछे उन्होंने जानने की कोशिश करी है, समझ के कि कारण क्या है कि आदमी इतना एक पत्थर रूपी चीज़ों में, सांसारिक वस्तुओं में पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। यह एक ऐसा भाव है जो समाज की सामूहिक दिखावा वृत्ति से प्रेरित होता है और सभी अहंकारी प्रतिस्पर्धी रडार इसे कैच करते जाते हैं। फिर उसी सिग्नल के अनुरूप उनका जीवन टेलीकास्ट होता है। वह हर वक्त अपने आसपास के लोगों से तुलना में व्यस्त रहते हैं। क्या बात कही है, तेरे पास ऐसी कार है, मेरे पास वैसी कार है, तेरे कपड़े इतने महंगे, मेरे कपड़े इतने महंगे, तेरा फार्म हाउस ऐसा है, मेरा फार्म हाउस वैसा है, तू सिंगापुर गया, अरे तू सिंगापुर, मैं तो स्विट्जरलैंड गया हूँ, तेरा मकान ऐसा, मेरा मकान वैसा, ऊपर लिखे, देखिए कितना वो संबोधन किस तरह से समझा के कर रहे हैं, ऊपर लिखे तू तेरा, मैं रिलेटिव्स, मतलब जो उनके आस पड़ोसी रिलेटिव्स, पड़ोसी और सर्किल के लोग होते हैं, मतलब जिससे वो कंपेयर कर रहे हैं, जिनकी प्रगति जीवन शैली से प्रतिस्पर्धा वह पूरा जीवन गुजार देता है। हमने देखा है कि आसपास के पड़ोसियों को दिखाने के चक्करों में, रिश्तेदारों से सर्टिफिकेट हासिल के करने में कि हाँ शर्मा जी वाह क्या काम किया, बच्चों को बाहर भेज दिया, वाह क्या गाड़ी ली, वाह क्या फ़ोन, क्या कैमरा, क्या, इसी तरह का से चलता रहता है समाज के अंदर दिखावा। तो सुना नहीं बना पाता, वह बाहरी मकान तो बना लेता है मगर उसमें चेतना का घर खंडर ही रहता है। क्या बात कही, उसकी चेतना के सभी कमरे, शरीर, प्राण, मन, भाव, बुद्धि, परम चैतन्य कभी खड़े ही नहीं हो पाते। अगर भोगता उपस्थित नहीं है तो भोग व्यर्थ हैं, वरना आपके साथ आपका सूटकेस भी विदेश की यात्रा कराता है। भाई जब खाना पड़ा हुआ है और खाने वाला नहीं है तो फिर उस खाने का क्या फ़ायदा। कितना बढ़िया उदाहरण दिया कि हमारा सूटकेस हमारे साथ पूरे विश्व की यात्रा कर लेता पर उसको कोई मज़ा, दुख, किसी भी तरह की अनुभूति नहीं होती। इसी तरह से ही इतनी सारी पदार्थ हम इकट्ठा करने के बावजूद हमारी चेतना मर जाती है, क्योंकि हम पत्थरों में ही जीते हैं, कभी महसूस ही नहीं कर पाते कि ईश्वर ने हमारे को पैदा किस लिए किया, हमारा जीवन का लक्ष्य शायद एक मकान, दुकान या धंधा पानी से कहीं अधिक हो सकता है। भाई आगे क्या कहते हैं, सूटकेस को रस नहीं, क्योंकि वह चेतना शून्य है, सूटकेस में चेतना नहीं होती, इसलिए वो कहीं भी घूमे उसे फ़र्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार आदमी जब इन्हीं पदार्थों में उलझा रहता है तो वो कुछ भी जोड़ ले इन चीज़ों से, उसकी कभी भी चेतना ऊपर की तरफ नहीं उठेगी। तो मेरी तो दृष्टि इस बात पर है कि चैतन्य इमारत कितनी भव्य और विराट हो। वो सलील के भाई की मैंने बहुत सारी पोस्ट पढ़ी हैं, वो चैतन्यता की बात, मतलब चेतना को उठाने की बात बहुत करते हैं। एक बार फिर से पढ़ता हूँ इसी लाइन का, तो मेरी तो दृष्टि इस बात पर है कि चैतन्य की इमारत कितनी भव्य और विराट हो, क्योंकि अंततः भोग तो चेतना से ही होना है। ज़्यादातर भव्य घरों में अकेलापन से जूझते बीमार, तनावग्रस्त, प्रौढ़ या बूढ़े ही पाए जाते हैं, क्योंकि अक्सर वो सपनों का मकान बनाते बनाते इतनी उम्र हो जाती है। दिल जीत लिया भाई, मेरे कुछ हैं जान पहचान के, मैं जानता हूँ जो बूढ़े हो गए हैं, एक फ्लैट, दो फ्लैट, 50 फ्लैट, 100 फ्लैट की उसमें बूढ़े हो गए हैं, कभी उनको उसके सुख को भोग ही नहीं पाए जो शर्मा जी आज किराए के मकान में भोग रहे हैं। अगर आपकी संगीत में रुचि, काइंड अटेंशन प्लीज़, वाटर लेवल मेर आइज, पानी छोड़ने की चेतावनी जारी हो रही है पीछे से। तो भाई एक बार फिर से पढ़ते हैं, मैडम ने थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया क्योंकि लय टूट जाएगी। ज़्यादातर भव्य घरों में अकेलेपन से जूझते बीमार, तनावग्रस्त, प्रौढ़ या बूढ़े ही पाए जाते हैं, क्योंकि अक्सर वो सपनों का मकान बनाते बनाते इतनी उम्र हो जाती है। और ये तो उनकी है कि जिनकी उम्र ही निकल जाती है, और जो बेचारे बना रहे होते हैं कई करोड़ के बंगले, वो कभी रह ही नहीं पाते, उनके नौकर, नौकरानियाँ, ड्राइवर, खानसामा ये सब मज़े करते हैं, और वो भाई साहब रात को
बारह एक बजे या ग्यारह बजे आते हैं और सुबह पाँच सात आठ बजे निकल जाते हैं। अगर आपकी आगे समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर जी रहे हो तो इसका फ़र्क क्या है, अगर आपकी संगीत में रुचि नहीं तो महंगा म्यूज़िक सिस्टम बेकार है, अगर आपकी आपको फूलों में रस नहीं तो फुलवारी व्यर्थ है, अगर आप रोमांटिक नहीं तो सुंदर शयन कक्ष का क्या मज़ा, अगर आप रोगी हैं तो लजीज पकवान किस काम के, अगर आपके भीतर ही रस नहीं तो क्या कीजिएगा इतने महंगे दिखावे का। मज़ा आ गया। अच्छा मकान अच्छी बात, मगर चेतना इमारत भी बनाइए। अच्छा मकान बनाइए अच्छी बात है, मगर चेतना की इमारत भी बनाइए। सेंसिटिव बनिए, जानिए इसके बाद कहाँ जाना है और कहाँ से आए हैं। जीवन बहुत छोटा है और अनिश्चित है, इसे महज पदार्थों के संग्रहण में ही न गुजार दें, क्योंकि एक दिन तो यह देह भी मिट्टी में मिल जाना है और मकान भी, जो अजर अमर है उस पर दृष्टि रखें, चेतना का मकान बनाएं। समय उतना ही है, अगर आप यहाँ लगाएंगे तो वहाँ नहीं लगा पाएंगे। वाह। महज दिखावे के जरा से रस के लिए जीवन की पूरी ऊर्जा और समय का निवेश कोई फायदे का सौदा नहीं। वाह, दिल जीत लिया भाई ने। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं शायद वीडियो में भी मैंने कई बार कहा है कि उस परम ऊर्जा को, ईश्वर को, अध्यात्म को पाने के लिए भी आपको शरीर की शक्ति की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने जीवन में कमा भी लिया थोड़ा बहुत पैसा, एक्सपीरियंस भी ले लिया और मेरे हाथ पैर भी चल रहे हैं। अगर ऋषिकेश में आज से 20 साल बाद आता, जब मेरी उम्र होती 60 या 65 साल, जो मज़ा, जो जीवन के आनंद और जो चीज़ों को महसूस मैं आज कर पा रहा हूँ, शायद मैं नहीं कर पाता। तो भाई यही कहानी थी एक छोटी सी। पसंद आई हो तो भाई बताना एक बार, आगे भी सुनाऊंगा। नहीं पसंद आई हो तो बताना, मैं फिर भी सुनाऊंगा। नहीं है, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी। मैं चाहता हूं कि देखिए, पता है कुछ दिल के करीब कुछ पोस्ट थी, अब एक ही जगह से बैठ के हमने इस पोस्ट को निपटा दिया। और इसके लाइक वगैरह के लिए नहीं, मैं अपने दिल के जो भाव आप लोगों के साथ बांटना चाहता था उस चैनल पर नहीं बांट पा रहा था। यही कारण है इस चैनल को शुरू करने का। एक बार ज़रूर बताना कैसी लगी। आपके जो संदेश हैं, आपके कमेंट हैं, सलील भाई तक मैं फॉरवर्ड करूंगा। मिलते हैं बढ़िया से किसी वीडियो में, किसी कहानी में, किसी किस्से में, किसी पोस्ट में। भाई हर गंगे हर महादेव तो साथ बोलेंगे। अब जब रुकोगे नहीं तो कहते हैं बीच में टोकती है। एक बात और मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, सामने आके फ्रंट में आके बोलिए। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी हो, ये दिमाग नहीं लड़ाते, मेरी सिक्स सेंस काम चल करती है। हाँ। आपके पास भी कोई ऐसी अच्छी स्टोरी हो जो इनको पसंद आए, मुझे बिल्कुल, तो बिल्कुल हाँ, वो टैग कीजिए, बताइए, फिर हो सक इनको पसंद आएगी तो वो सुनाएंगे, उसको शेयर। बस वो खास होनी चाहिए इस तरह की, आप समझ ही गए होंगे शर्मा जी का टेस्ट। और आज से ना शर्मा जी पीछे से इशारे कर रही थी, मैंने कहा नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ आज से शर्मा जी का बंद कर देते हैं, नाम लेते हैं सत्येंद्र। और सत्येंद्र नहीं है मेरा नाम है सत्येंद्र, जैसे नाम होता है ना नरेंद्र वो वाला सत्येंद्र। तो वो अवस्था वो शर्मा जी से हटा के अब सत्येंद्र की तरफ बढ़ना है भाई। कोई आपके पास बढ़िया सी कहानी हो, किस्सा हो, पोस्ट हो, एक्सपीरियंस हो इस तरह का, जिसमें देखिए मेरे को गाड़ी घोड़े बंगले का समझ गए होंगे उस तरह का शौक नहीं है, कुछ वाक्य में परम चेतना की, ईश्वर की कोई अनुभूति हो, कोई किस्सा हो, कहानी हो, शेयर कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कोई पसंद आई तो उसको वीडियो बना के आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मिलते हैं एक बढ़िया से वीडियो में, तब तक के लिए हर हर गंगे हर हर महादेव। माता पिता का ख्याल रखिए और माता पिता बच्चों का, और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। अच्छा बिल्कुल, और जिन लोगों को इस तरह की वीडियो पसंद है सब्सक्राइब भी उनको भेज दीजिए, सबको भेज दीजिए, शायद किसी को पसंद आए, 100 में से 2-4 को तो पसंद आएगा ही आएगा। एक बार भेज के देखिए, शायद अच्छा लगे।